शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 9। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 9। बिन्यामिन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबेल का पुत्र था। वह एक बिन्यामिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नाम का एक पुत्र था, जो सुंदर था, और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना अधिक लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गधिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालिम नाम देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बन्यामिन के देश में गए, परंतु गधिया न मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु ही नहीं है जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्वकाल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता, तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्वकाल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। सो वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकलती थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहां है? उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज उच्च स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो, त्यों ही वह तुमको उच्च स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके पीछे ही न्योतहरी भोजन करते हैं, इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए, और जो ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल उच्च स्थान पर चढ़ने की मंशा से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बन्यामिनी देश के एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा, और तेरी गधिया जो तीन दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गए और
इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बन्यामिनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामिनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोई ने जांघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। बिहान को वे तड़के उठे और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलवाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं।